हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने दिनचर्या जो कि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का सेकंड चैप्टर है उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं ऋतुचर्या के बारे में। ठीक है, तो ऋतुचर्या मतलब क्या होता है? अर्थात ऋतुचर्या मध्याह्न व्याख्या श्याम इति अस्माहु रात्रे आदि महर्षि। आत्रे आदि महर्षि जो थे, जो हमने आयुर्वेद का अवतरण पढ़ा है उसके हिसाब से जो ब्रह्मा, ठीक है, फिर ब्रह्मा के बाद कौन से थे? दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, फिर आता है इंद्र। ठीक है, उससे वैसे उन्होंने आत्रेय को दिया और आत्रेय आदियों ने फिर आगे बताया, तो इसने यहाँ पे आत्रेय आदि महर्षि लिखा। ठीक है, फिर ऋतुचर्या शब्द दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, ऋतु और चर्या, तो क्या है? ऋतुचर्या शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, ऋतु प्लस चर्या। तो ऋतु मतलब क्या होता है? सीजन। और चर्या मतलब क्या होता है? आहार विहार। तो हर सीज़न के अकॉर्डिंग हमको कैसे आहार विहार करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सब जिस चैप्टर के अंदर बताया गया उसको ऋतुचर्या बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है चर्या? तो हमने दिनचर्या में भी पढ़ा था, वैसे ऋतु के अनुसार वो ऋतुचर्या है। ऋतु दो दो मास के अनुसार संपूर्ण वर्ष को 6 भागों में बांटा गया है। उनमें किस प्रकार का आहार विहार होना चाहिए इस अध्याय में उसका वर्णन किया गया है। तो इस अध्याय में किसका वर्णन किया गया? ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है। फिर आगे आता है कौन सी ऋतु होती, कितनी ऋतु होती। मासेर द्विसंख्येर माघातेर क्रमाषड ऋतव स्मृता शिशिरो अथ वसंतश्च ग्रीष्मो वर्षा शरदिमा शिशिराद्य स्त्रिभिस्तेषु विद्यादयन उत्तरम आदानम च तदा तत्ते नृणाम प्रतिदिनम बलम। मतलब क्या था? 12 महीने होता। ठीक है, तो अगर हम जनवरी से, हम जैसे वो हमारे जो हिंदू नववर्ष के अनुसार होते ना माघ फाल्गुन, वैसे अगर हम काउंट करते हैं तो माघ से चालू होकर 2-2 महीने। ठीक है, तो माघ फाल्गुन में शिशिर, चैत्र वैशाख में बसंत, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म, श्रावण भादव में वर्षा, अश्विन कार्तिक में शरद और माघ शीर्ष पौष में हेमंत। ठीक है, इसके ना एक लाइन से याद करने के लिए एक ट्रिक है ऋतुओं को, शिवग्री वस है। ठीक है, तो शी से क्या होगा? शिशिर। ठीक है, वस है वसंत, ग्रीष्म वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, तो क्या है? शिवग्री वस है। और फिर लाइन से फिर महीने के हिसाब से हम कर लो, पूछ लेते हैं कभी 2 मार्क्स की 6 ऋतु के नाम भी बताओ बस इतना सा। तो हमको फिर यहाँ पे मास तो लिखना ही चाहिए। फिर उन्होंने जो पूरा साल उसको 6 ऋतुओं में बांटा है, लेकिन उसको भी 6 ऋतुओं को 2 अलग अलग भागों में बांटा है, आदान काल और विसर्ग काल। तो आदान काल मतलब क्या होता है? उत्तरायण। तो शिवग्री जो था ना, शिशिर बसंत ग्रीष्म, इन 3 ऋतुओं में से में होने वाले 6 महीनों का मासों का नाम क्या है? उत्तरायण। उसको उत्तरायण बोलते हैं क्योंकि इसमें ना सूर्य उत्तर दिशा से निकलता है, और इसको आदान काल भी बोलते हैं क्योंकि इन दिनों में यह काल अपनी प्रकृति के प्रतिदिन प्राणियों के बल को लेता है। आदान मतलब क्या होता है? कि बल को लेना, मतलब और उसके इन ऋतुओं में क्या होता है कि शरीर जितने भी व्यक्ति है, जितने भी मनुष्य है पृथ्वी पर, उन सबका बल क्षीण होता है, वो लोग कमजोर होते हैं, वो बलहीन होते हैं। तो इस कौन कौन सी ऋतु है? शिशिर बसंत ग्रीष्म, उत्तरायण और आदान काल में आती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे आदान काल अग्निगुण प्रधान होता है। पहले हम देख रहे थे कि और कौन सा काल होता है आदान काल, और होता है एक विसर्ग काल। ठीक है, तो 12 महीने होते हैं। ठीक है, 12 महीने में कितनी ऋतु होती है? 6 ऋतुओं को 2 भागों में बांटा है, आदान काल में और विसर्ग काल में। ठीक है, तो आदान काल में 3 ऋतुएँ कौन सी होती है? शिवग्री, ठीक है, शिशिर वसंत ग्रीष्म, और विसर्ग में कौन सी होती है? वस है वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, ये हो गया आदान काल और इधर विसर्ग काल। अब उसके बाद में हम आदान काल के बारे में पढ़ेंगे, तो आदान काल में क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो अग्निगुण प्रधान होता है आदान काल। ठीक है, तस्मिन् अत्यर्थ तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष मार्ग स्वभावत आदित्य पवना सौम्यान क्षपयंती गुणान भूव तिक्त कषाय कटुको बलिनो अत्र रसा क्रमा तस्माद आदानम आग्नेय। मतलब क्या होता है? इस उत्तरायण काल में सूर्य के उत्तर मार्ग में चलने के कारण
सूर्य की किरणें अत्यंत तीक्ष्ण और उष्म हो जाती है। ठीक है, सूर्य क्या होता है, उत्तर मार्ग मतलब उत्तर दिशा में चलता है, तो वह जितनी भी जो हवाएं हैं या फिर सूर्य की किरणें हैं वो उष्ण तीक्ष्ण हो जाती है, और सूर्य की गर्मी से तपी हुई हवाएं भी उष्ण और रुक्ष हो जाती है, अर्थात लू चलने लगती है। हमने देखा ना गर्मी के दिनों में लू चलती है। ठीक है, अतः दोनों पृथ्वी के सौम्य गुणों को क्षीण कर देते हैं, मतलब पृथ्वी में जितने भी ठंडे वाले गुण होते हैं ना उनको क्षीण हो जाते हैं, कई कैसे उष्ण तीक्ष्ण और रुक्ष गुणों से। यही कारण है कि इन दिनों प्राणियों का बल क्षीण होता है। उत्तरायण में कौन कौन सी ऋतु आती है, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, तो इनमें रस भी बलवान होता है, कि शिशिर में तिक्त रस, बसंत में कटकशाय और ग्रीष्म में कटु। ठीक है, यही कारण है कि यह आदान काल आग्नेय गुण प्रधान होता है। तो आदान काल में क्या क्या होता है, सूर्य उत्तर मार्ग में चलने लगता है तो उसकी किरणें उष्ण उष्ण और तीक्ष्ण हो जाती है, और हवाएं कैसी होती है, उष्ण और रुक्ष, उससे क्या होता है जो पृथ्वी का सौम्य भाव है उसका नाश हो जाता है, और इससे प्राणियों का बल भी क्षीण होता है। इनमें कौन कौन से रस बलवान होते हैं, तो शिशिर में तिक्त, बसंत में कषाय और ग्रीष्म में कटु, ये ऑब्जेक्टिव इसमें आ सकता है। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है कि आदान काल अग्निगुण प्रधान होता है, क्योंकि तिक्त कटु कषाय अग्निगुण प्रधान है, तो शिवग्रि टीके टू है ना, तो शिशिर में तिक्त, बसंत में कषाय और ग्रीष्म में कटु। फिर आता है विसर्ग काल, अपने हमने देखा कि आदान काल में सारी उष्णता उष्णता वाली चीज़ें हुई, बल भी क्षीण हो गया ये सब, अब विसर्ग काल में ना सारी शीत वाली बल बढ़ाने वाली ये सब चीज़ें होगी। ठीक है, ऋतुओं दक्षिणायनम वर्षादय विसर्गश्च, हमने देखा था शिवग्री वसहे, वसहे में विसर्ग काल था है ना, तो वर्षा शरद हेमंत नामक तीन ऋतुओं का नाम दक्षिणायन है, और इसको विसर्ग काल भी बोलते हैं, क्योंकि विसृजति ददाति बलम इति विसर्ग, मतलब जो बल का विसर्जन विसर्ग करता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में जो बल को बढ़ाता है वो कौन सा काल है, विसर्ग काल है ना। अब विसर्ग काल में क्या क्या होता है, जैसे हमने आदान काल में देखा था कि ये रस बलवान होता है, ये गुण बढ़ता है, तो वैसे विसर्ग काल में क्या होता है, यद बलम विसर्जत्यम सौम्यत्वाद अन्नम सोमो ही बलवान हियते रवि, मेघ भ्रष्टो अनिले शीते शांत तापे मही तले स्निग्धाश्च हम अम्ल लवण मधुरा बलिनो रस, मतलब क्या होता है ये सौम्य गुणों को होने के कारण प्राणियों को बल देता है, और वो क्या करता है आदान काल प्राणियों का बल नष्ट करता है। इस काल में सौम्य गुणों वाला सोम बलवान होता है और सूर्य का बल क्षीण होता है। ठीक है, और इस काल में क्या होता है मेघ छाते, क्योंकि वर्षा है तो बादल छाएंगे, वर्षा होगी इसलिए ठंडी हवाएं चलती है, तो वो जो भी पृथ्वी का जो अंश वो सोख रहा था आदान काल इसमें नहीं हो रहा है। वर्षा में स्निग्ध गुण के लिए अम्ल, शरद में लवण और हेमंत में मधुर रस बलवान होता है, और इसमें कहते हैं प्राणियों का बल बढ़ता है, तो विसर्ग काल में क्या क्या होता है प्राणियों का बल बढ़ता है ना, ये सौम्य गुण वाला होता है और ये शीत हवाएं चलती हैं यहाँ पर, वर्षा में अम्ल, शरद में लवण और हेमंत में मधुर, ALM अम्ल लवण मधुर चलता है। इस विसर्ग काल में प्राणियों के देह और बल का बढ़ता है, इससे विसर्ग काल कहा गया। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया था कि बल विसर्ग शब्द कैसे बना, तो वी सृज और घय प्रत्यय लगाने से वी उपसर्ग है ना, ये सृज धातु है और ये घय प्रत्यय, इसे विसर्ग मतलब दान, इस प्राणियों में इस काल में प्राणियों का बल का विसर्जन करता है मतलब बल बढ़ता है। ठीक है, तो हम ना आदान और विसर्ग में डिफरेंस देख लेते हैं, हो गया आदान काल, हो गया विसर्ग काल। ठीक है, तो आदान काल क्या होता है, आदान काल में शिवग्री, ठीक है, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, और इसमें वर्षा, शरद और हेमंत वसह है। ठीक है, ये हो गया, इसमें बल क्या होता है, इसमें बल कम होता है, इसमें बल बढ़ता है। ठीक है, ये सारा उष्ण वाला, ये शीत वाला। ठीक है, इनमें रस कौन से होते हैं, तो शिवग्री, तो टीके टू तिक्त कषाय और कटु। ठीक है, और यहाँ पे वसह है में ALM अम्ल लवण और मधुर, तो इन ऋतु में ये बल ये रस बलवान होते हैं। तो 5 मार्क्स में ना डिफरेंस भी आ जाता है कि आदान काल और विसर्ग काल में डिफरेंस लिखो, या फिर 10 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आदान काल क्या होता है उसकी तीनों ऋतुओं का वर्णन करो, या फिर विसर्ग काल क्या होता है उसकी तीनों ऋतुओं का वर्णन करो, या फिर पूरा ऋतुचर्या ही 10 नंबर में आ जाता है। तो दिनचर्या ऋतुचर्या में से दोनों में से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है हमेशा एग्जाम में। फिर अब बल का चय अपचय कि कौन बल को बढ़ाता है कौन बल को कम करता है ना, शीतो अग्रम वृष्टि घर में अल्पम बलम मध्यम तु शेषयो,
शीत ऋतु है मतलब कौन सी, हेमंत और शिशिर, जो ठंड वाला टाइम होता है ना वो, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी वाला, में प्राणों के बल की स्थिति उत्तम होती है। और शेष दो ऋतु कौन सी, शरद और बसंत, में शारीरिक बल मध्य कोटि का होता है। और वर्षा और ग्रीष्म में क्या होता है, बल अति अल्प होता है। ठीक है, क्योंकि ये आदान काल और विसर्ग काल के हिसाब से यही है। अभी शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत है ना, ये आदान काल हो गया, ये विसर्ग काल हो गया। ठीक है, तो बल सबसे ज़्यादा कौन सा था, ये लास्ट वाले। ठीक है, तो जो दोनों आदान काल के प्रारंभ में और विसर्ग काल के अंत में बल क्या होता है, उत्तम। ठीक है, फिर मध्य में क्या होता है, बल मध्यम, वसंत में और शरद में। और ग्रीष्म और वर्षा में क्या होता है, बल अधम, मतलब हीन होता है। ठीक है, तो आदान काल के स्टार्टिंग में और विसर्ग के अंत में बल उत्तम होता है, मध्य में मध्य होता है, और बीच में मतलब आदान काल के अंत में और विसर्ग के स्टार्टिंग में बल महीन होता है। इस श्लोक में यही बताया गया है। देखो, हेमंत और शिशिर में क्या हो रहा है, बल उत्तम, शरद और बसंत में मध्यम, और वर्षा और ग्रीष्म में अल्प हो रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि हेमंत काल, आदान काल क्या होता है, विसर्ग काल क्या होता है। अब अलग अलग ऋतुओं की चर्या आएगी कि कौन से ऋतु में कैसा आहार विहार करना चाहिए, हेमंत, बसंत, शिशिर, ग्रीष्म, सब। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु कौन सा काल होता है, आदान काल या विसर्ग काल, पहले सबसे पहले हमको ये चीज़ देखनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है विसर्ग काल, और विसर्ग काल में सबसे लास्ट वाला है ना, शिवग्री वर्ष है लास्ट वाला, इसमें क्या होता है, बल उत्तम होता है। ऐसे ही हम पहले नॉर्मली देख लेते हैं, बल उत्तम होता है। विसर्ग काल है तो शरीर का बल बढ़ाएगा, बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चलेगी और ये सब। फिर मास के अनुसार देखेंगे तो कौन सा मास होगा, इसमें सबसे लास्ट था है ना, माघ, फागुन, ज्येष्ठ, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, कार्तिक, अश्विन, कार्तिक, मांगशीर, पौष, मांगशीर्ष और पौष। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एग्जाम में भी लिखते तो हेमंत ऋतु चर्या मतलब छह ऋतुओं में से एक है, ये इस महीने में होती है, ये विसर्ग काल के अंदर आती है, इसमें बल बलवान होता है, ये सब चीज़ें लिखनी है। और क्या आएगा, बलिना शीते संरोधात हेमंते प्रबलो अनल भवत्य अल्पे धनो भलातुन स्वपच्येद वायु नेरिति अतो ही में अस्मिन सेवेत स्वादु अम्ल लवणानुसार। हाँ, इसमें रस भी था, ALM मधुर रस बलवान था। ठीक है, तो क्या है, काल स्वभाव के कारण पुरुष अधिक बलवान होता है, सबसे ज़्यादा उत्तम बल होता है, क्योंकि शीत के कारण भीतर रुके होने के कारण जठराग्नि अधिक बलवान होती है। ठीक है, यदि उसे आहार रूपी ईंधन मतलब जैसे जठराग्नि पका होकर कम मिल जाता है तो शरीर की खुद की धातुओं को पचाने लगता है। ठीक है, इसलिए हेमंत ऋतु में वातनाशक मधुर अम्ल लवण रस युक्त आहार करना चाहिए। समझ में आया, मतलब क्या होता है, सबसे मेन चीज़ तो क्या, इसमें शरीर का बल बलवान होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि बाहर ठंड है तो जो हमारे रोम कूप है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो हमारी जो जठराग्नि वो शरीर के अंदर ही रहती है, जठराग्नि अंदर रहती है मतलब हमारा डाइजेस्टिव पावर अच्छा होता है, इसलिए हम लोग ठंड वाले मौसम में थोड़ा ज़्यादा भूख लगती है या फिर थोड़ा हैवी खाना खाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब जठराग्नि बलवान होती है तो हमको हमारे शरीर को ना थोड़ा हैवी मिल देना चाहिए, जैसे मधुर अम्ल लवण रस युक्त आहार विहार और वात का नष्ट करने वाले, क्योंकि अगर हम इसके अपोजिट देखें ना तो वो जल्दी उसको खत्म कर देगा, और जो हमारे शरीर के खुद की धातुएं हैं मतलब जो रस रक्त मांस में जो भी है उनको धीरे धीरे पचाने लगता है। इससे अभी मतलब आप लोग नोट करना, अपन जो हेमंत और शिशिर ऋतु होते हैं ना मतलब जो जिनमें जठराग्नि हमारी बड़ी हुई रहती है, इन मौसम में ना हम थोड़ा हैवी खाना खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह और ये सब चीज़ें, ताकि हमारी अग्नि उसको डाइजेस्ट भी कर ले, हमारे शरीर की धातु भी क्षीण नहीं हो इसलिए। और उन ऋतुओं में नहीं खाते क्योंकि उनमें ना हमारी जठराग्नि मंद होती है, अगर अग्नि मंद रहेगी फिर हम हैवी खाएंगे तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और फिर इनडाइजेशन वगैरह और दूसरी डिसीज होने लग जाएगी इसलिए। ठीक है, अब हेमंत ऋतु में प्रातःकाल से क्या क्या करना है। ठीक है, दीर्घ्यान निशान मेहरती प्रातः बुभुक्षित अवश्य कार्यम संभाव्य हेतुक्तम शीलिएद ननु वातग्न तैलर अभ्यंगम मूर्दिनम तैल विमर्दनम न्यूनतम कुशल सार्धम पादाघात च युक्ति। मतलब हेमंत ऋतु में क्या होता है, रातें लंबी होती है, हाँ ठंड का टाइम है, रात लंबी होगी, दिन छोटे होंगे, प्रातःकाल उठते ही भूख लग जाती है, इसलिए प्रातःकाल समय पर उठकर मलमूत्र करने के बाद शौच आदि से निवृत्त होकर दंतवन आदि करके यथोक्त मतलब जो हमने बताया कि मधुर अम्ल लवण रस युक्त आहार विहार करना चाहिए और उसके बाद पानी पिए, प्रतिदिन वातनाशक तेलों से मालिश करें, मल्ल विद्या कुशल पहलवानों के साथ कुश्ती करें, पादाघात आदि
विधियों को सीखे या फिर कुछ व्यायाम करें। ठीक है, जो जैसे हेमंत तो ठंड वाला मौसम है, ठीक है, तो ठंड में लड्डू खाते हैं हर सुबह सुबह से, ठीक है, तो वो हैवी डाइट, क्योंकि रात लंबी होती है तो सुबह से भूख लगती है, तो अगर कुछ हम ऐसा खा लेंगे जिससे हमारी अग्नि भी डाइजेस्ट कर ले और हमें बल भी मिले, तो हम खाएंगे मधुर अम्ल लवण रस युक्त आहार विहार, कुछ मिठाई नमकीन ऐसा कुछ, फिर पानी पी लो, फिर अच्छे से मालिश करो हमारे शरीर में, ताकि थोड़ा ठंड वाला भी रहता है तो मालिश करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ठीक है, और हमने थोड़ा हैवी भी खाया है तो डाइजेस्ट करने के लिए भी हमको व्यायाम करना चाहिए। फिर वो हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, व्यायाम आदि विधि, कषाया पथ स्नेह तथा स्नातो व्याथा विधि कुमकुमे सदर्पणे प्रदीप्तो अगुरु धूपित रसान स्निग्धान पलान पुष्टम गोड़ मच्छ सुराम सुराम गोधुम पिष्टमाशे इक्षु शिरोत विकृति सुभा नवम अन्न वसाम तेलम शौच कार्य सुकोदगम प्रावर अजीन कोशेय प्रवेणी कोच वास्तुतम उष्ण स्वभावे लघुभि प्रावृत शयनम भजत युक्त्या अर्क किरणान स्वेदम पाद त्राणम च सर्वदा। मतलब क्या है, आंवला आदि कषाय द्रव्य, ठीक है, जो आंवला भी ठंड में आता है, ठीक है, उनकी कल्क मतलब चटनी वगैरह बना के खानी चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या करें, उससे अभ्यंग की चिकनाहट को दूर करें। अच्छा, इसमें ऐसा बताया गया कि जो कल्क है उनको हमारे शरीर पे लगाना चाहिए, जिससे जो अभ्यंग की चिकनाहट है ना वो दूर हो, और फिर उसके बाद स्नान करना चाहिए, उसके बाद शरीर को तौले से पोंछकर कुमकुम कस्तूरी आदि उष्ण द्रव्यों का लेप लगाना चाहिए, और अगुरु की धूप लगानी चाहिए, धूपन करना चाहिए अगुरु से, अगुरु भी उष्ण होता है। भोजन में घी तेल से भुना हुआ मांस वगैरह खाना चाहिए, गुड़ के बने पदार्थ, तो स्वच्छ मध्य गेहूँ का आटा, उड़द के आटे, इक्षु के पदार्थ, गन्ने भी ठंड में आते हैं, दूध के बने पदार्थ जैसे मावा मिठाई रबड़ी ये सब, नए चावल का भात वसा तेल ये सब खाना चाहिए, और फिर हाथ भी गुनगुने पानी से धोना चाहिए, और कपड़े कैसे पहनना चाहिए, प्रावर ऊनी प्रावर मृग चर्म रेशमी बिछोना टाट आदि को बिछा कर रखें, और कपड़े भी ऐसे ही पहनना चाहिए, ठीक है, ऊने हल्की चादर ओढ़े, प्रातःकाल युक्तिपूर्वक सूर्य की किरणों का सेवन करें, ठंड में बाहर धूप में बैठना चाहिए जिससे स्वेदन होगा, और जूता और मोजा आदि सदैव धारण करना चाहिए। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी कि हेमंत ऋतु में क्या क्या पहन खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। सबसे पहले तो क्या, उसमें बल बलवान होता है, ठीक है, उसमें बाहर ठंडा होता है, अग्नि बलवान होती है, इसलिए हमको मधुर अम्ल लवण रस युक्त आहार करना चाहिए, क्योंकि हमने अगर वो नहीं किया तो हमारे शरीर के धातु को पचाने लग जाएगा, ये हो गया। उसके बाद हमको खाना कैसे चाहिए, क्योंकि खाना मतलब सुबह सुबह से क्या खाना चाहिए, रात लंबी होती है तो सुबह से भूख लगती है, तो मलमूत्र का विसर्जन करके मधुर अम्ल लवण रस युक्त आहार विहार करना चाहिए, मालिश करो, व्यायाम करो, पादाघात करो, ठीक है, वो कर लिया, फिर हमने मालिश करके रखी है तो उसको हमारे तेल को, अगर उस तेल को हमको निकालना है तो आंवला आदि कल्क को उस पर चिकनाहट दूर करना चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए, स्नान कर लिया, स्नान कर मोटे तौलिया से पोंछ कर कुमकुम कस्तूरी आदि का लेप लगाओ, लेप लगाओ, लेप लगाने के बाद अगुरु की धूप से धूपन करवाओ, फिर खाना कि खाने में क्या खाना चाहिए, खाने में हैवी तो मांस, घी और तेल में भुना हुआ मांस, मद्यपान करना चाहिए, गेहूँ उड़द की दाल से बने पदार्थ, इक्षु दूध के बने पदार्थ, तो वो भी हैवी होते हैं डाइजेस्ट करने में थोड़े, नए चावल, अभी तक हम मतलब अभी और आगे भी हम पढ़ेंगे कि जो पुराना भात होता है, पुराना चावल होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि वो लघु होता है, वो डाइजेस्ट सही से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो हमको ऐसी चीज़ें खानी है जो थोड़ा धीरे डाइजेस्ट हो, इसलिए हम यहाँ पे नए चावल लेंगे, वसा और तेल का सेवन करेंगे। फिर खाना खाने के बाद भी अगर हम हाथ धो रहे हैं तो हमें गुनगुने गर्म जल से हाथ धोना चाहिए, कैसा बिछोना बिछाना चाहिए, ऊन मृग चर्म और रेशमी बिछोना बिछाना चाहिए, और कपड़े भी ऊन वगैरह के, हम ठंड में स्वेटर्स वगैरह जो पहनते हैं, हल्के चादर ओढ़े, फिर प्रातः का सूर्य की किरणों में सेवन करें, और स्वेदन करने के बाद क्या, जूते मोजे का धारण करना चाहिए, मतलब स्वेदन के बाद मतलब हमेशा करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस टाइम पे, और अगर ज़्यादा ठंड होने से नॉर्मली भी अगर हम ऐसे देखें तो ठंड लगती है, बीमार होते हैं, और पैरों के थ्रू अगर ज़्यादा ठंड जाएगी तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इसलिए पैरों में हमेशा जूते मोजे पहन के रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, शीतनाशक कुछ उपाय है जो हमको हेमंत ऋतु में करने चाहिए, मतलब हम लोग करते भी हैं, शीतनाशक उपाय में क्या करना चाहिए, पीवर उरु स्तन श्रोणी समदा प्रमदा प्रिया हरंती शीतम उष्ण अंगयो धू तो कुमकुम यौन, मतलब पीन मतलब स्थूल पुष्ट उर स्तन और श्रोणी वाली यौवन तसुरा के मद से मदमदाती हुई प्रिया कुमकुम के लेप अगुरु की धूपन और यौवन मत के कारण उष्ण इस शरीर की नारियों के साथ नारियों को शीत नारियाँ शीत हर लेती है,
मतलब कैसी स्त्री के साथ रहना चाहिए, जो हृष्ट पुष्ट हो, जिसने कुमकुम का लेप लगाया हो, गुरु की धूप से धूपन हो, उन स्त्रियों के साथ रहना चाहिए। ठीक है, फिर निवास कि हमारा घर कैसे होना चाहिए। ठीक है, अंगार आतप संतप्त गर्भे भूवेश्म चारिण, शीत पारुष जनितो न दोषो जातु मुचायते। जलते हुए अंगारों से तपे हुए मकान के नीचे तल में निर्मित कमरे में या फिर घर के भीतर बनाई हुई गुफा में निवास करना चाहिए। ठीक है, तो उनसे क्या होगा कि जो नर नारी है ना, उनमें पुरुषता संबंधी मतलब फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी डिसीज नहीं होती है। और इन दोनों उक्त प्रकार के घर मतलब कैसे घर में रहना चाहिए, जहाँ पे ऊपर जलते हुए अंगारे या फिर जो तलघर टाइप होते हैं ना, जो घर के अंदर गुफा बनी होती, वहाँ पे रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि नर नारी है ना, उनको पुरुषता मतलब फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई डिसीज नहीं होती है। तो ये हमने पढ़ ली हेमंत ऋतुचर्या। ठीक है, तो हमने हेमंत में क्या क्या पढ़ा, ठीक है देख लेते हैं एक बार। हेमंत, हेमंत कौन से मास में आती है, माघ शीर्ष और पौष। ठीक है, इसमें बल अच्छा होता है, अग्नि बलवान होती है। हमको कैसा आहार विहार करना चाहिए, मधुर आम्ल लवण। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, रात क्या होती है, लंबी। ठीक है, तो प्रातः काल भूख लगती है, तो हमको प्रातः काल मल मूत्र से विसर्जन हो गए और फिर कुछ हम खाना चाहिए। ठीक है, भोजन भोजन या फिर कुछ नाश्ता टाइप। ठीक है, उसके बाद अपने को जलपान करके जलपान करना चाहिए। फिर विहार में क्या करना चाहिए, अभ्यंग करो। ठीक है, पादाघात, व्यायाम। उसके बाद अभ्यंग जो तेल था उसको हमको कल्प से निकालना है। उसके बाद हम करेंगे स्नान। ठीक है, स्नान के बाद हमको भोजन कैसा करना है, भोजन करना है हमको मांस का सेवन करना है, घी तेल में भुना हुआ। ठीक है, उसके बाद हमको भोजन में मतलब नए चावल खा सकते हैं हम, मद्य का पान करना चाहिए, ये सब चीज़ आएगी इसमें। ठीक है, ये भोजन हो गया। उसके बाद कैसा बिछौना बिछाना चाहिए, फिर कैसे वस्त्र पहनना चाहिए, तो प्रावर, मृगचर्म, इन ऐसे वस्त्र, टाट वगैरह ये बिछाना चाहिए और इनको धारण करना चाहिए। ठीक है, हाथ भी धोना है तो कौन सा पानी लेंगे, गर्म पानी लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर हमको शीतनाशक कुछ उपाय में क्या है कि जो स्त्री हृष्ट पुष्ट हो वैसी नारी के साथ रहना चाहिए। ठीक है, जिसने कुमकुम का लेप लगाया हो, अब गुरु से धूपन करवाया, ये हम पॉइंट उधर छोड़ दिए थे, तो ये सब करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कैसे घर में रहना चाहिए, या तो जो घर के अंदर गुफा बनाई हो उसमें, या फिर जहाँ पर अग्नि जल रही हो, उससे क्या नहीं होते, परुषता संबंधित विकार नहीं होते। ठीक है, तो ये हो गए हेमंत ऋतुचर्या। अगर 5 नंबर में भी आते हैं तो हमको हर ऋतु के बारे में कम से कम 10+ पॉइंट लिखना चाहिए, ताकि हमारे और 10-15 पॉइंट हम लिख सकते हैं, वो कवर हो जाते हैं उसमें। ठीक है, तो ये हो गए हेमंत ऋतुचर्या। और उसके बाद देखते हैं हम शिशिर, हेमंत के बाद शिशिर वापस स्टार्टिंग से, सबसे पहले लास्ट वाले देखिए, अब हम देखते हैं स्टार्टिंग से शिशिर मतलब माघ और फाल्गुन वाली। ठीक है, यहाँ से हो रहा आदान काल चालू। अयमेव विधि कार्य शिशिर अपि विशेषतः तदा ही शीतम अधिकम रोक्षम चाद च आदान काल च, मतलब हेमंत में कही गए सभी विधियों का विशेष करके शिशिर ऋतु में ही करना चाहिए। जो हेमंत ऋतु में हमने जो जो किया ना, वो हमको शिशिर ऋतु में करना चाहिए। बस क्या है, इस ऋतु में क्या था, हेमंत की अपेक्षा शीत अधिक पड़ने लगती है, क्योंकि इस ऋतु में आदान काल प्रारंभ हो जाता है और इसमें रुक्षता आने लगती है। बस डिफरेंस क्या है कि इसमें बाकी पूरा हेमंत ऋतु जैसा ही है, बट शीत मतलब ठंड अधिक लगती है और रुक्षता अधिक हो जाती है। ठीक है, अब हो गई हेमंत और शिशिर हो गई, अब आती है बसंत। ठीक है, कफा शीतो ही शिशिर वसंत अर्कांशुतापित हत्वा अग्नि कुरुते रोगांश तस्तम त्वरा जयत तीक्ष्णेर वमन नश्यादेर लघु रुक्षेश भोजने व्यायामो उद्वर्तनाद्यर जित्वा श्लेष्माण मूलबण स्नातो अनुलिप्त कर्पूर चंदन चंदन अगुरु कुमकुमे पुराण यव गोधूम शोद्र जांगल शूल्य भुक सहकार रसो मिश्रा नास्वाद्य प्रियया अर्पितान प्रिया आश्य संग सुरभिन प्रिया नेत्र उत्पल अंकितान सोमनश्य क्रतो हृदय अनवेश्य सहित पिबेत निर्गदान आसव अरिष्ट सिद्धु माध्विक माधवान
शंग बैर अम्बू सार अम्बू मध्वम्बू जला दम्बू। इसको हम लोग ना, हमको यहाँ पे कोई श्लोक याद नहीं करना, इतने बड़े बड़े हम लिखेंगे भी नहीं, लेकिन हमको ना श्लोक पढ़ना चाहिए। श्लोक से हमको ना समझ में आता है कि हम सही पढ़ रहे हैं गलत, और हमारी श्लोक की प्रैक्टिस भी बनती है। जैसे अगर आप लोग संहिता पढ़ो तो आप श्लोक तो पढ़ना ही, मीनिंग मीनिंग पढ़ के मत छोड़ना, क्योंकि कुछ कई कई बार ऐसा होता है कि मीनिंग में कुछ गलत होता है, तो हम वहाँ से श्लोक से हम कन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है, तब हम पढ़ते हैं बसंत ऋतुचर्या, आतान काल की दूसरी ऋतु। ठीक है, तो वहाँ फाल्गुन हो गया, तब चैत्र वैशाख में बसंत ऋतु होती है। क्या शिशिर में शीत की अधिकता के कारण स्वाभाविक रूप से कफ दोष का संचय होता है। हमने दोषों का संचय प्रकोप प्रश्न में देखा था, तो कफ का संचय क्या होता है, शिशिर में होता है, प्रकोप बसंत में और शमन ग्रीष्म में। तो संचय हो गया, हमने शिशिर ऋतु पढ़ ली, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कफ का प्रकोप होगा। किससे होगा कफ का प्रकोप, कफ दोष बसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से संतप्त होकर पिघलने लगता है, और उससे क्या होता है, अग्नि मंद पड़ जाती है और अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इस ऋतु में कफ दोष को शीघ्र निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। तो जो वमन विधि होती है ना पंचकर्म में, वो बसंत ऋतु में ही करवाई जाती है। ठीक है, अन्य जगह पे बोला है कि हेमंत में भी कफ का संचय होता है, लेकिन यहाँ पे शिशिर से हमको सोचना चाहिए, शिशिर हेमंत दोनों में मान लो कफ का संचय होता है। ठीक है, तो हेमंत और शिशिर में कफ का संचय हो गया, उसका बसंत में प्रकोप हो जाता है, इसलिए उसको निकालने के लिए तीक्ष्ण वमन कारक द्रव्य का प्रयोग कराना चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए, कफ है तो कफ के अपोजिट चीज़ें करेंगे, तीक्ष्ण और रुक्ष औषध का नस्य देंगे, लघु रुक्ष भोजन कराएंगे, व्यायाम उपटन आघात का प्रयोग कराएंगे, जिससे बढ़ा हुआ कफ दोष शांत हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद स्नान कराकर कर्पूर अगुरु चंदन कुमकुम, ये भी कफ के अपोजिट उष्ण चीज़ें हैं ना। भोजन में क्या करना चाहिए, पुराने जो यहाँ पे पुराना जो आ गया, क्योंकि यहाँ पे अग्नि मंद हो रही थी, पाँच की अग्नि मंद पड़ रही, वहाँ पे अग्नि तीव्र थी, तो हमने क्या करा, नया चावल लिया था। ठीक है, गेहूँ की रोटी आदि बनाकर खाना चाहिए, मधु का सेवन करेंगे, जंगल देश के प्राणियों के बड़े बनाकर खाना, लोहे की सलाखा में पिरो कर, ठीक है, इनको शूल्यवांश कहा गया है। ठीक है, शूल्य मांस के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, फिर कहीं सुना होगा कि जैसे वो नॉनवेज को लोहे के रोड या शलाका के अंदर डाल के उसको आँख पर पकाते हैं, उस टाइम पे इन लोगों ने बताया था कि बसंत ऋतु में उसका सेवन करना चाहिए। तो बसंत ऋतु में क्या क्या होता है, ठीक है, देख लेते हैं। जो शिशिर ऋतु में कफ संचित हुआ था ना, उसका बसंत ऋतु में अग्निमंद होने के कारण प्रकोप होता है, तो यहाँ पे क्या करता है, तीक्ष्ण वमन कराते हैं और तीक्ष्ण और रुक्ष द्रव्य से नस्य देते हैं, और लघु रुक्ष भोजन कराएंगे, व्यायाम उपटन आघात का प्रयोग कराएंगे। कफ दोष को शांत करने के लिए हम धूमपान कवल का धारण बताएं, स्नान करना है, और कौन से कपूर अगुरु चंदन कुमकुम का लेप लगाना है। खाने में क्या, पुराना जो गेहूं की रोटी, मधु, मधु क्या होता है, कफ शामक होता है ना, जंगल प्राणियों के मांस के बड़े बना के खाना चाहिए, और शूल्य मांस खाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि मधु का सेवन कौन सी ऋतु में बताया है, या फिर शूल्य मांस कौन सी ऋतु में बताया है, वमन कौन सी ऋतु में करवाना है, तो ये यहीं से पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर पान कि पीने में क्या, मतलब कैसा रस वगैरह, पानी कैसा पीना चाहिए, ये सब चीज़ें आएगी। तो क्या है, पके हुए आम का रस निकालकर जिसे पहले प्रियतमा ने चखकर अपने प्रियतम को दिया हो, प्रिया के मुख की गंध से सुरभित, जिस पर प्रिया के नयन कमलों की छाया पड़ रही हो, जो मन को प्रिय लगने वाला और हृदय को शक्ति देने वाला हो, ऐसे आम के रस का मित्र मंडली के साथ पान करें। मतलब क्या होना चाहिए, पके हुए आम का रस पीना चाहिए। ठीक है, और दोषित आसव वरिष्ठ सिधु मुनक्का द्वारा निर्मित सूरा, मतलब जितनी भी फर्मेंटेड चीज़ें होती है ना, इसमें वो आएगी, आसव वरिष्ठ सिधु, आप लोग भेषज कल्पना में पढ़ेंगे कि आसव वरिष्ठ, इनका इन सबको ना फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है। ठीक है, महुए के आसव का सेवन भी मित्रों के साथ बैठकर उचित मात्रा में करना चाहिए, और अदरक का पानी, विजय सार, चंदन का जल, मधु मिश्रित जल और नागर मोथा का क्वाथ, इन सब का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या करती है, जो कफ है हमारे शरीर में, जो कफ का प्रकोप हुआ है उसको कम करती है ना। तो हमको बसंत ऋतु में तो सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जो कफ को ख़त्म कर रही है, तो अदरक, विजय सार, चंदन, मधु, नागर मोथा, ये सब कफ शामक चीज़ें, तो इन सब का पान करना चाहिए। उसके बाद मध्यान्हचर्या कि शाम को क्या होना चाहिए, दक्षिण अनिल शीतेषु परितो जलवाहिषु अदृष्ट नष्ट सूर्यु मणिकुट्टिम अकांतिषु पर पुष्ट विगुट्टेशु काम कर्मांत भूमिषु विचित्र पुष्प वृक्षेशु काननेशु सुगंधिषु गोष्ठिक कथाभिश्चित्राभिर्मध्याम गमयेत सुखी। मतलब जो घने वन दक्षिण दिशा की वायु अर्थात मलयज पवन से शीतल और सुगंधित हो, चारों ओर जल प्रवाह हो, जहाँ सूर्य का प्रकाश थोड़ा पड़ रहा हो, वन के घने होने से न हो रहा, मतलब ऐसा हो सकता है कि सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो, धूप आ रही हो, ऐसा नहीं कि वन बहुत ज़्यादा घना है तो कभी कभी नहीं भी आता है,
हीरे आदि हीरे मरकत आदि की फर्श बनी हो, कांतियुक्त वन हो, कोयल की आवाज आ रही हो, सवास करने के स्थान हो, विविध प्रकार के सुगंधित फूलों वाले वृक्ष हो, वन उद्यान सुख सहने वाले चाहने वाले हो, और पुरुष और मित्र मंडली के साथ अच्छी कथा मतलब बातचीत करनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे शाम को कैसी जगह पे घूमना जाना चाहिए, मतलब जहाँ पे वन हो, आसपास थोड़े झरने वगैरह हो, अच्छी फर्श हो, कांतियुक्त तो वन हो, और पेड़ पौधे हो, फूल वगैरह हो, और अच्छी मित्र मंडली हो, उनके साथ बैठ के थोड़ी सभा करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। पहले लोग करते थे तद्विध संभाषा वगैरह कुछ भी बात करने के लिए, तो ऐसे जगह पे जाना चाहिए। अपथ्य कि बसंत ऋतु में क्या नहीं खाना चाहिए, अपथ्य का मतलब क्या होता है, किन चीज़ों को नहीं लेना है, ठीक है। तो क्या होता है, गुरु शीत दिवा स्वप्न स्निग्ध अम्ल मधुरा स्थित, मतलब गुरु शीतल पदार्थ दिन में, सोना स्निग्ध पदार्थ और अम्ल और मधुर द्रव्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सब क्या है, कफ को बढ़ाना, कफ के गुण क्या, गुरु मृदु हिम स्निग्ध नहीं, गुरु शीत मृदु लक्षण है ना, तो गुरु शीतल पदार्थ और मधुर अम्ल लवण रस आ गए, स्निग्ध हो गया, और दीवा स्वप्न, ठीक है। दीवा स्वप्न कौन सी ऋतु में नहीं करना चाहिए, अभी अभी तक हमने पढ़ा उसमें बसंत ऋतु में, आगे ग्रीष्म ऋतु में भी आएगा, ठीक है। तो बसंत ऋतुचर्या हो गई कि यहाँ पे सारी कफ शामक चीज़ें, क्योंकि इसमें कफ का प्रकोप होता है, तो वमन कराएंगे, रस्य कराएंगे, लघु रूप से भोजन कराएंगे, व्यायाम, आघात, कपूर गुरु का चंदन का लेप लगाना, पुराना जौ गेहूँ की रोटी, जंगल पशु पक्षियों का मांस, फिर आम का रस, आसव वरिष्ठ मधु वगैरह पीना चाहिए, अदरक का पानी, चंदन का जल, नागरमोथा का क्वाथ, ठीक है। फिर मध्यान्हचर्या में अच्छे मतलब वन वगैरह में जाकर सभा करनी चाहिए। और अपत्य क्या है, गुरु शीत स्निग्ध अम्ल लवण रस अम्ल और मधुर आहार विहार और दीवा स्वप्न नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।